फोर के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ हंसिका सिंह। सबसे पहले तो आप सभी को तेज खबर 24 की ओर से महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे, यहाँ पे महाशिवरात्रि की बारात जो है बैजू धर्मशाला से निकल चुकी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के अंदर उत्साह है, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग यहाँ पे निकल चुके हैं अपनी सवारी के साथ, ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे लोग झूमते नजर आ रहे हैं। लोगों के अंदर कितना उत्साह है, किस प्रकार से यहाँ पे झांकियाँ सजी हुई हैं, लोग रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के चेहरों पे खुशी का माहौल नजर आ रहा है। तो ये देखिए, हमारे पीछे शिव बारात निकाली जा चुकी है, भीड़ इकट्ठा हुई है और किस प्रकार से लोग जो हैं वह शिव बारात में अपने आप को शामिल किए हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस प्रकार से लोगों के अंदर उत्साह भरा हुआ है, भीड़ आगे जा चुकी है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से, आगे जा करके अब हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि किस प्रकार से उसके अंदर उत्साह भरा हुआ है इस महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर के, किस प्रकार से वह इस महाशिवरात्रि को मनाने जा रहे हैं और शिव बारात के लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियाँ की हुई है। और लड़कियां बुलेट पे सवार होकर बारात के लिए प्रस्थान कर रही हैं। लोगों के अंदर किस तरह से उनके अंदर उत्साह और उमंग देखा जा रहा है, यह आप साफ हमारे दर्शकों के अंदर देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने ऑरेंज कलर के साफे में अपने आप को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं कि वह किस प्रकार से इस पूरे माहौल में खुश नजर आ रहे हैं और इस पूरे माहौल का आनंद ले रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? अश्लेषा शुक्ला। यहाँ पे शिव बारात के निकालने की तैयारी, आप कौन से संघ से आई हैं? मैं अभी तो फिलहाल शिव से भक्त हूँ और शिव बाबा की बारात पे आई हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको आज शिव बारात निकाली जा रही है इतने धूमधाम से, कैसा लग रहा है आपको? बस ये खुशी ऐसी है ना कि आप बता नहीं सकते, लाइफ में ना ऐसी खुशी सिर्फ एक दिन मिलती है, शिव बाबा की बारात में। ये हर त्योहार से हर दिन से सबसे बड़ा होता है शिव बारात, तो एक अलग ही उमंग है, अलग ही खुशी है, किसी भी मतलब इतनी खुशी ना सोच के भी लगता है कि हम किस चीज पे हैं। शिव जी की बारात में, जो हमारे देवों के देव महादेव हैं उनकी बारात में मन में उत्साह और उसी के लिए सबको हर हर महादेव। अच्छा लग रहा है आपको शिव बारात? अच्छा लग रहा है, आज हमारे भोले बाबा माता गौरी की शादी है और हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं और भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। जय जय शिव शंकर। क्या नाम है मैम? मेरा नाम राखी पांडे है। कैसा लग रहा है आपको? मनीष भैया ने जो ये भव्य आयोजन किया है महादेव के लिए, ये रीवा के लिए गौरव की बात है और आज हमारा रीवा गिनीज बुक में दर्ज किया जाएगा और सारी मातृ शक्तियों को बहुत बहुत वंदन और आपका भी स्वागत और सभी लोग रीवा से गाते बजाते भोले बाबा का दरबार पे जा रहे हैं, गौरव को बयाने जय भोले बाबा की। बारात निकाली जा रही है, ये बहुत शानदार लगा। हम लोग सारे छत्री समाज के जितने लोग हैं सारे वेंकट टाकीज परिसर में इकट्ठा हुए और अपने परिधान में जैसा कि आप देख रहे हैं पीला कुर्ता और केसरिया साफा के साथ हम लोग सब देवों को देव महादेव के बारात में शामिल हुए हैं और छत्री समाज के करनी सेना, हिंदू छत्री वाहिनी, बिंद छत्री महा, सारे हम लोग इकट्ठा होकर आज भोलेनाथ का जश्न मनाते हुए बारात जा रहे हैं। ये बारात कितने बजे निकली है जी? ये बारात कितने बजे निकली है? ये बारात वहाँ से निकली है 9:20 पे। जी जी, 9:20 पहुँची और ये पूरा शहर भ्रमण होते हुए हम लोग पंचमठा जाएंगे पूरा। धन्यवाद। ये देखिए किस प्रकार से हमारे पीछे जो है लड़कियां नृत्य करते, छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वह नृत्य करते नजर आ रही हैं, रंग बिरंगे कपड़ों पहने हुए यहाँ पे जो लड़के और लड़कियां हैं सुंदर सा नृत्य करते नजर आ रहे हैं और जो कि बारात के लिए बहुत ही स्वाभाविक है। Yeah.
बहुत अच्छा लग रहा। और कुछ कहना चाहेंगे शिव बारात के उपलक्ष्य पे? और कुछ कहना चाहेंगे शिव बारात के? बहुत अच्छी बारात चल रही है, अपने आइए। और ये महाविष्णु का मतलब है, अच्छा मंदिर चल रहा है एकदम। क्या अच्छा लग रहा है आपको शिव बारात? शिव बारात बहुत पुराना है और बहुत भक्त है और बहुत अच्छा, ऐसा कहीं नहीं है मध्य प्रदेश में। जैसा कि लोगों के अंदर उत्साह बहुत सारा दिख रहा है, ये शिव भक्त है सब, कोई ऐसा नहीं, सब शिव भक्त है। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे झांकियां निकलना शुरू हो गई है, और सबसे पहले यहाँ हनुमान जी हैं। देख सकते हैं कितने सुंदर भगवान दिख रहे हैं हनुमान जी के रूप में। जो इंसान है वो कितना सुंदर दिख रहा है, कितने मोटे दिख रहे हैं, और साथ ही साथ कितने गुस्से वाले दिख रहे हैं। उनके चेहरे पे साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा है, साथ ही साथ उनके अंदर थोड़ी सी स्माइल भी हम आपको दिखा सकते हैं, किस प्रकार से वह आशीर्वाद देते लोगों को नजर आ रहे हैं। हमारे पीछे किस प्रकार से शिव वस्त्र धारण किए हुए यह बालक शिव बारात में झांकियों के साथ निकला हुआ है, और कितना सुंदर दृश्य इसका नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं शिव की तरह पूरा इसका वस्त्र जो है, पूरा यह शिव बारात में जो झांकियों के साथ निकला हुआ है, यह इसका पूरा जो कार्य है वह शिव भगवान का रूप है। बिल्कुल साक्षात आप देख सकते हैं शिव बाबा का रूप यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। नंदी बाबा की निकाली गई है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे यह झांकी कितनी सुंदर और कितनी मनमोहक सजी हुई है। और यहाँ पे जो वस्त्र धारण किए या लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं वह भी कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। धर्मशाला से निकल चुकी है और जगह जगह विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से इस विशाल भंडारे का प्रसाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, और किस प्रकार से लोगों ने इस भीड़ को पंडाल को घेर लिया है अपनी भीड़ से, और वह प्रसाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की भीड़ हुई है, पीछे बाराती आ रहे हैं। शिव भक्त जो है वो पूरी अपनी बारात के साथ इस शिव बारात में महापर्व में शामिल होने के लिए सभा में उपस्थित हो रहे हैं। सर आपका? धर्मेंद्र नारायण झारिया।
जिस प्रकार से आपने यहाँ पंडाल सजाया हुआ है शिव भक्तों के लिए, तो क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है श्रद्धालुओं के लिए? बस थके हुए आएंगे श्रद्धालु यहाँ तक, क्योंकि मेरे ख्याल से एक घंटा हो गया है यात्रा निकले हुए और यहाँ तक पहुँचने में अभी भी आधा घंटा लगेगा मुझे ऐसा लगता है। तो बस एक छोटी सी सुविधा हमने की है कि श्रद्धालुओं के लिए पानी और थोड़ा एक जूस की व्यवस्था हमने यहाँ पे की है, और भोले बाबा के लिए जो स्वागत करेंगे फूल मालाओं से, हम सोचा हमने भोले बाबा का स्वागत करेंगे। कैसा लग रहा है आपको जिस दिन का इंतजार लोग करते हैं, आज वो दिन आ गया है, महापर्व महाशिवरात्रि? बहुत बढ़िया लग रहा है। सुबह हम 8:30-9 बजे से व्यवस्थाओं में लग गए हैं, ये सब सारी व्यवस्थाएं रात में ही हमने करवा ली थी, तो एक अलग ही खुशी एक हर्ष की बात होती है, तो मे भी काफी अच्छा लग रहा है हमें। धन्यवाद सर, धन्यवाद। देखा आपने और सुना किस प्रकार से यहाँ पे कोठी कंपाउंड स्थित में यहाँ पंडाल लगाया हुआ है शिव भक्तों की सेवा के लिए, यहाँ पंडाल और यहाँ पे पानी और जूस की जो व्यवस्था है यहाँ पे की गई है। मेरी तो औकात नहीं निकालने की, तो भोले की बारात है, भोले निकालने है बारात। ये तो मैं उसका सेवक भी नहीं हूँ, मैं तुच्छ प्राणी हूँ, और भोले की नगरी में भोले की बारात स्वयं शंभु और खुद महेश ब्रह्मा विष्णु महेश निकाल रहे हैं। हम लोग तो शिव भक्त हैं, उनके उनके आदेशों पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। ये आनंद का पल है और ये शिवरात्रि है, आज सृष्टि की रचयिता का ब्याह है, जिसने स्वयं धरती माँ को धरती को बनाया है, उसके ब्याह में हम लोग चल रहे हैं, और पूरा रीवा पूरा मध्य प्रदेश जगमग है और आनंद का पल है। ये आनंद लीजिए आप लोग, यही मैं बताऊँ। 3 महीने से हमारे पूरे भक्त चल रहे हैं, हमारे जो चल रहे हैं, हमारी टीम चल रही है। इस टीम को बनाने के लिए प्रतीक मिश्रा जी, हमारे कमलेश बड़े भाई साहब, सुमित गुप्ता, विनोद गुप्ता, बड़ी टीम है, 51 लोगों की टीम है। प्रतीक पांडे जी हमारे साथ हैं और हमारे पुरवार जी के अध्यक्ष समाज बहुत बहुत लोग लगे हैं। हमको लगता है इस टीम में हमारे हजारों लोग कार्यकर्ता हैं, हजारों लाखों लोग बढ़ते जा रहे हैं, और सबकी आशा है कि और कार्यक्रम विशाल हो, लाखों लोग आए, लोग देखे और आनंद का पल बिताए। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए तेज खबर 24 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर हमारे YouTube पे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।